नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पूर्वांचल पत्रिका में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी अभी एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिल्म अभिनेता इरफान खान का इंतकाल हो गया है। ये कब हुआ और कैसे हुआ, साथ ही इरफान खान की जिंदगी से जुड़ी हर अनसुनी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंत तक जरूर देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कल ही शाम में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद इरफान खान की प्रवक्ता के हवाले से कहा गया था कि हाँ यह सही है कि इरफान खान को कोलन इन्फेक्शन के कारण मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा था कि हम अपडेट देते रहेंगे, वह डॉक्टर के निरीक्षण में है, उनकी ताकत और साहस ने उन्हें अब तक लड़ाई लड़ने में मदद की है और हमें पूरा विश्वास है कि जबरदस्त इच्छा शक्ति और अपने सभी शुभचिंतकों की प्रार्थनाओं के चलते वह पूर्ण रूप से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज के मनहूस दिन दोपहर में सबसे पहले इरफान खान की मौत की खबर ट्विटर पर फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने शेयर की। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र इरफान, आप लड़े लड़े और लड़े, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा, हम फिर से मिलेंगे, शांति और शांति ओम, इरफान खान को सलाम। जिसके बाद ट्विटर पर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान के निधन की खबर मिल रही है, यह एक परेशान करने वाली दुखद खबर है। अविश्वसनीय प्रतिभा, महान सहयोगी, सिनेमा के दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता में हमें बहुत जल्द छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में जयपुर के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनके पिता टायर का व्यापार करते थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर एक्टर इरफान खान ने बॉलीवुड में भी अपना धौंस जमाई है। इस एक्टर ने अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना किया था। लंबे वक्त से अपनी सेहत से जूझ रहे इस अभिनेता ने अपनी हिम्मत को कभी पस्त नहीं होने दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले ही यानी शनिवार को ही उनकी माता का जयपुर में देहांत हो गया था। उसमें भी इरफान खान तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा सके थे। साथ ही लॉकडाउन लगे रहने की वजह से उन्होंने वीडियो के द्वारा ही अपनी माँ को अंतिम विदाई दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज कराने लंदन गए थे। वहाँ वे करीब 1 साल रहे और ठीक होने के बाद अप्रैल 2019 में भारत लौटे थे। वापसी के बाद उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग राजस्थान में शुरू की और फिर आगे के शेड्यूल के लिए लंदन चले गए थे, जहाँ वे डॉक्टर्स के संपर्क में भी रहे। इसके बाद से वे अक्सर डॉक्टर्स का परामर्श लेने लंदन आते जाते रहे। हालांकि पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन घोषित है और सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रद्द है, इसलिए वे मुंबई से बाहर नहीं जा पाए थे। यदि हम उनकी फिल्मी करियर की बात करें तो आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम में दिखे थे इरफान खान। जी हाँ दोस्तों, इरफान खान आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे, जो 13 मार्च को रिलीज हुई थी। हालांकि लॉकडाउन के चलते यह फिल्म सिर्फ 2 दिन ही सिनेमाघरों में चल पाई। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से पहले ने इरफान खान ने फैंस के लिए यूट्यूब पर अपना इमोशनल मैसेज छोड़ा था। उन्होंने कहा था, हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं और नहीं भी। खैर, यह फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इरफान खान ने अपनी करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, जिसके बाद वह फिल्मों में आए थे। साल 1998 में फिल्म सलाम बॉम्बे से करियर शुरू करने वाले इस एक्टर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। बॉलीवुड ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड में भी माइटी हार्ट और जुरासिक पार्क जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।